ये फरियादी थे प्रियेश कोठारी, उनके द्वारा साइबर सेल में उपस्थित होकर एक आवेदन दिया गया था कि उनको फोन के माध्यम से किसी व्यक्ति मनीष गुप्ता नाम के व्यक्ति ने संपर्क किया था। वो करीब 30 करोड़ का लोन दिलाने के लिए उनको कहा था, उसमें ये कहा था कि हम आपको कुछ करोड़ की सब्सिडी दिलाएंगे और लोन की प्रोसेस के नाम से करीब करीब 1 करोड़ 17 लाख रुपए उनसे खातों में, अलग अलग खातों में क्रेडिट कार्ड में जमा करा लिए। सर किस तरह से इनका धोखाधड़ी को अंजाम देते थे? उनको धोखाधड़ी को अंजाम थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेसिंग फीस में, स्टाम्प ड्यूटी, अन्य चीज़ों के बारे में करके, ये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के अंदर पैसा जमा करा के और उसको ले ले देते हैं। गिरफ्तार हुए कहाँ से? गिरफ्तार हमने 5 आरोपी गिरफ्तार किए हैं दबिश देकर गाजियाबाद से उनको, और अन्य आरोपी जो है, मुख्य आरोपी है प्रदीप चौहान और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। सर ये कियोस्क का क्या लगता है? जो ये कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं जो कि सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के लिए दिए जाते हैं, उसी के अंतर्गत इन्होंने SBI और HDFC बैंक के कियोस्क ले रखे थे, जिसके अंतर्गत ये कियोस्क के माध्यम से पैसा निकालते थे। आपका नाम? इंस्पेक्टर राशिद अहमद, साइबर सेल, अहमदाबाद।